माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कुछ हम यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं जिसमें प्रतिरोधों को दो बिंदुओं के बीच में कई प्रतिरोधों को आपस में संयोजित किया गया है। तो अब ये जो है इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं, आज कुछ प्रश्नों को तीन चार प्रश्न आपके चार प्रश्न इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं और इनको कैसे हम ऐड करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कैसे करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसमें इन प्रश्नों को हल करेंगे और ये सीखेंगे कि प्रतिरोध जो परिपथ में दिया है उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक है, इसमें ए और सी के बीच में 2 ओम, 4 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध आपस में जुड़े हैं, तो हम प्रश्न नंबर एक को हल करेंगे। बच्चों, ये है प्रश्न नंबर एक है, इसमें आपका दिया है इसको हम मान लेते हैं R1, इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R3 और ये A हो गया और ये B है और ये क्या है, C है। तो बच्चों, R1 बराबर कितना दिया है, 2 ओम है, R2 बराबर कितना है, 4 ओम है और R3 बराबर कितना है, 4। अब इसको हल करते हैं। अब इसको बच्चों हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, प्रतिरोध R2 और R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि इनका ये दोनों का एक टर्मिनल बिंदु B से जुड़ा है और इन दोनों का दूसरा टर्मिनल कहाँ जुड़ा है, बिंदु C से जुड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे R2 व R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं बच्चों कितना R' है, तो ये कितना हो जाएगा, R2 R3 अपान R2 प्लस कितना होगा, R3। तो बच्चों, R2 का मान कितना है, 4 ओम है, R3 का मान भी 4 ओम है, 4 प्लस 4 बराबर ये हो गया 16 और ये हो गया 8 बराबर कितना हो गया, 2। अब इसका दूसरा एक परिपथ बनाएंगे, ये A हो गया, ये आपका क्या हो गया, R1 हो गया, ये B हो गया, ये आपका प्रतिरोध क्या हो गया, R' हो गया और ये आपका क्या हो गया, C। अब बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रहा है R1 और R' किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे R1 व R' श्रेणी क्रम में है, अतः A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध। बच्चों, R बराबर कितना लिख देंगे, R1 प्लस R'। तो बच्चों, R1 का मान कितना है, 2 ओम है और R' का मान कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4 ओम, ये आपका क्या हो गया, उत्तर। तो पहला ये बहुत सिंपल सा है कि ये इस चित्र का A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना हो गया, 4 ओम। अब बच्चों दूसरा आता है, दूसरा भी पूछ रहा है A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अब इसमें भी हम R1, R2, R3 नाम दे लेंगे और इसी हिसाब से इसको भी हम हल करेंगे। तो आते हैं दूसरा प्रश्न में, दूसरा प्रश्न का चित्र हम बना लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर दो का चित्र है,
ये बच्चों ए है और ये क्या है बी, इसको मान लेते हैं आर वन। तो बच्चों आर वन का मान कितना दिया है, 6 ओम दिया है, 6 ओम। इसको मान लेते हैं आर टू, इसका मान कितना दिया है, 3 ओम, 3 ओम्स। आर थ्री का मान कितना दिया है, आर थ्री का मान कितना दिया है, 4 ओम। ये आर फाइव बराबर 7 ओम और आर सिक्स बराबर ये कितना दिया है, 5 ओम, और आर सेवन बराबर दिया है 5। ये बच्चों इसका नामकरण कर लिया। अब बच्चों इसमें आप देख लीजिए, यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। इसमें हमने क्या देखा, आर वन और आर टू किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखेंगे आर वन व आर टू समांतर क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना होगा, आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। तो ये बच्चों इन दोनों का मान रखेंगे, 2 3 × 6 अपान 3 + 6, ये हो गया 18/9 बराबर कितना हो गया, 2। अब बच्चों आप देख लो आर थ्री और ये आर डैश, आपका दूसरा चित्र क्या हो जाएगा, ये होगा आर सेवन, ये हो गया आर फाइव, ये हो गया आर सिक्स। इसके बाद बच्चों ये हो गया आपका आर थ्री और ये आपका हो गया आर डैश। ये इसका नया चित्र हो गया, ये आर टू और आर वन और आर टू समांतर क्रम में हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, आर डैश। अब आप देख रहे हो आर थ्री और आर डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। आर फाइव और आर सिक्स किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे आर थ्री व आर डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश बराबर क्या कर देंगे, श्रेणी क्रम में है इसलिए आर थ्री प्लस आर डैश। तो बच्चों इनका मान रखेंगे, ये 3 हो गया, आर डैश का मान कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया, 5 ओम। आर फाइव और आर सिक्स, आर फाइव व आर सिक्स किस क्रम में है, श्रेणी क्रम, जिनका तुल्य प्रतिरोध आर ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, आर फाइव प्लस आर सिक्स। आर फाइव का मान बच्चों कितना है, आर फाइव का मान 7 है और प्लस इसका मान कितना है, 5 है, तो ये कितना हो गया, 12 ओम हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब बच्चों नया चित्र आपका हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, ये हो गया आर सेवन, ये एक आ गया और एक ये हो गया, यहाँ से ए और बी हो गया। अब बच्चों ये आर ट्रिपल डैश है और ये आर क्या है, डबल डैश। आर ट्रिपल डैश और आर डैश डबल डैश इस क्रम में किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे आर ट्रिपल डैश व आर डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा,
आर ट्रिपल डैश इंटू आर डबल डैश अपान आर ट्रिपल डैश प्लस आर डबल डैश। देखो बच्चों इनका कितना मान है, एक का 12 मान है और दूसरे का कितना है 5। 12 गुणे 5 बटे 12 धन 5 बराबर 60 बटे 17। 60 बटे 17 ओम हो गया। अब आ जाओ बच्चों इसका अंतिम और फाइनल है ए है, ये आपका कितना हो गया आर 7 हो गया और ये हो गया आपका आर 4 डैश, ये हो गया बी। इसमें ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में है, अतः ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना होगा R 7 प्लस R 4 डैश। ये बच्चों कितना इसका मान दिया है 5 ओम दिया है, 5 प्लस इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 60 बटे 17 बराबर 17 पचे 85 प्लस 60 बटे 17, तो R बराबर कितना आ गया 8 6 14 145 बटे कितना हो गया 17। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्रिटिकल प्रश्न दिया है, तो इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हो। एक एक करके भुजाओं का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और फिर लास्ट में आते आते जो बच जाएगा उसको हम हल करेंगे। अब इसी प्रकार से बच्चों तीसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसमें दो कंडीशन है, स्विच खुला हो और स्विच क्या हो बंद। तो बच्चों इसमें जब है ये चित्र आप बना लेंगे, ये ए है, ये बच्चों R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम, ये आपका स्विच है S है और ये आपका है ये भी है, R3 बराबर 10 ओम और R4 बराबर कितना है 10 ओम। पहला हम हल करेंगे जब S स्विच क्या है खुला है, तो बच्चों इसका चित्र हो जाएगा ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी, आर वन इसका नाम कर देते हैं आर वन आर टू और ये आर थ्री, ये क्या है आर फोर, ये आर थ्री और ये है आर। इस चित्र में आप देख लो बच्चों आर वन आर टू श्रेणी क्रम में है, आर थ्री और आर फोर क्या है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ लिखेंगे आर वन व आर टू श्रेणी क्रम में हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस R2 बराबर 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 20 ओम और ये है R3 व R4 किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है जिनका तुल्य प्रतिरोध, ये R डबल डैश बराबर कितना होगा आर थ्री प्लस आर फोर बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम। अब बच्चों इसका मान 10 ओम हो गया, इसका मान 10 ओम हो गया, तो ये चित्र बनेगा ये ए हो गया, इसमें हो गया ये और ये आ गया, इस तरह से ये बी हो गया आर डैश बराबर 20 ओम और R डबल डैश बराबर कितना हो गया 20।
अब बच्चों आर डैश और आर डबल डैश किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे आर डैश व आर डबल डैश किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R डैश R डबल डैश अपान R डैश प्लस R डबल डैश। तो R डैश सबका मान कितना है बच्चों? 20 ओम में। तो 20 इंटू 20 बटे 20 प्लस 20 बटे कितना हो गया? 40। बराबर कितना हो गया? 10 ओम। ये इसका उत्तर आ गया A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में ये ए है और ये बी है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है? ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जबकि स्मॉल आर ओम के प्रतिरोध जिस क्रम में ये जोड़ा गया ये कहाँ तक है? अनंत तक दिया है। तो बच्चों इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे? एक टर्म को छोड़ करके ये बिंदु पी मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? क्यू। तो जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है तो पी क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध आर लगभग होगा। तो बच्चों इसको सिंपल सा तरीका है ये एक टर्म केवल छोड़ करके ये ए है और ये बी है, ये स्मॉल आर है और स्मॉल आर, ये आपका पी और क्यू है। तो पी और क्यू के बीच में जो भी अनंत तक प्रतिरोध होगा उसको भी किसके बराबर मान लेंगे? आर के बराबर मान लिया जाए। इन सबको किसके बराबर मान लेंगे? ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध के बराबर, क्योंकि यह अनंत तक है, उसमें से एक भाग छोड़ने पर भी उसके मान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों इसमें ध्यान देना कि एक टर्म को ए बी के पास वाले एक भाग को छोड़ करके उसके जस्ट अनंत तक वाला जो होता है उसको कितना मान लेते हैं? ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध के बराबर मान लिया जाता है। अब इसको आर मान लिया तो इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में। तो अब यहां पर हल करेंगे स्मॉल आर व कैपिटल आर किस क्रम में? समांतर क्रम में हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R कैपिटल R बटे R प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो बच्चों इसका नेक्स्ट जो चित्र बनाएंगे वो कितना आएगा? ये हो गया स्मॉल R और ये क्या हो गया आपका? R डैश। अब स्मॉल R और आर डैश किस क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। स्मॉल आर व आर डैश किस क्रम में है?
श्रेणी क्रम में हैं। अतः ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों आर बराबर कितना होगा, आर प्लस कितना हो जाएगा आर डैश, तो आर प्लस कितना लिख देंगे आर डैश, आर प्लस आर डैश का मान यहाँ से रखेंगे आर कैपिटल आर बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये इसके बराबर हो गया बच्चों। सभी पदों में आर प्लस कैपिटल आर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आर आर प्लस कैपिटल आर बराबर आर आर प्लस कैपिटल आर प्लस कितना हो गया आर कैपिटल आर। अब हल करिए इसका, इसमें गुणा करेंगे आर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके इसमें गुणा करेंगे प्लस आर आर प्लस आर आर। तो बच्चों इस आर से ये आर कट जाएगा। अब आपका कितना बचता है, सॉरी ये बराबर होगा, अब बच्चों इससे ये कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस आर आर, तो ये आर बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। तो इस प्रकार से प्रश्न को क्या करेंगे, हल किया जाएगा। फिर से एक बार देख लो बच्चों, ये एक टर्म छोड़ करके इसको हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, ये आर हो गया, ये आर और ये आर किस क्रम में है, समांतर क्रम में, जिनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। अब ये बच्चों किसका हो गया, इसके किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में इसका और इसका प्लस किसके बराबर होगा आर के बराबर। तो देख लो आर बराबर कितना हो गया आर प्लस आर डैश आर प्लस आर आर अपान आर प्लस इतना हो गया। अब बच्चों क्या किया, आर प्लस आर का सभी पदों में गुणा कर दिया, तो आर प्लस आर बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद इसको ओपन करोगे आर आर आ गया, आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर हो गया, आर आर प्लस आर आर हो गया, तो एक आर आर से एक एक आर आर कट गया, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर हो गया। तो एक मिनट बच्चों, अब बच्चों ये किस प्रकार का समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ये किस प्रकार का वो समीकरण हो गया, द्विघात हो गया। तो बच्चों ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर आर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको सिर्फ दरचारे के नियम से लिखेंगे, ये आपका हो गया आर बराबर, ये सूत्र होता है इस आधार पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये तो सूत्र हो गया, सिर दरचारे के नियम से लगाएंगे तो आर बराबर माइनस बी के स्थान पर कितना है माइनस आर, तो ये हो गया आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब हो गया आर स्क्वायर माइनस फोर ए सी। फोर ए का मान एक है, सी का मान कितना है, कितना है आर स्क्वायर बटे टू, ए का मान कितना है एक, और बच्चों ये सी का मान इतना है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो इसलिए आर प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो गया फाइव आर स्क्वायर बटे दो। बच्चों आर बाहर ले लेंगे तो आर प्लस माइनस आर अंडर रूट पाँच बटे दो, या लिख सकते हैं आर बटे दो ब्रैकेट में वन प्लस माइनस अंडर रूट पाँच।
इतना रख सकते हैं। चूंकि बच्चों प्रतिरोध का मान ऋणात्मक नहीं होता इसलिए माइनस नहीं लिया जाएगा, इसलिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया आर बटा दो, वन प्लस अंडर रूट कितना हो गया 5 ओम। ये इस प्रकार से अगर इस तरह से अनंत तक दिया है तो इस टेक्निक का हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अन्य प्रश्न दिया होगा उनको हल करिएगा, अगर कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट करके पूछा जा सकता है।